श्रोताओं, आज वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस है, जो हर साल 20 मई के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका स्वीकार करना है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, पर्यावरण के संतुलन में भी ये सहायक होती हैं और आर्थिक कीट के रूप में भी इसे पाला जा सकता है। मौन पालन और मधुमक्खियों से संबंधित अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं बी रेडी हार्वेस्टर फर्म के संस्थापक शुभम राणा। नमस्कार। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि घरों होते हैं, खदरे होते हैं, जिसमें मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। दादाजी मेरे जो थे वो करते थे, मधुमक्खी पालन करते थे। तो धीरे धीरे करके ऐसे इंटरेस्ट आया, जब मैं यहाँ आया, यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर विषय पढ़ा। मैंने खादी ग्राम उद्योग से 5 दिन ट्रेनिंग ली। वहाँ पर हमारे दादाजी थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश भट्ट जी, तो उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज को मेरे को रिप्रेजेंट करा। ग्रेजुएशन खत्म करी मैंने, तुरंत मेरे को जॉब ऑफर आया अहमदाबाद से। वहाँ पर मैंने मधुमक्खी के फील्ड में कंपनी में काम किया। फिर मेरे को लगा कि यार, मैं पहाड़ों में ये छोड़ के बाहर जगह जा रहा हूँ, ये तो सही नहीं होगा। अपने पहाड़ों में इतना शहद है तो उसको कर सकते हैं हम लोग, तो फिर मैंने यहाँ आके वो शुरू किया। जी, बहुत सही कहा आपने कि आप पहले शहर गए और फिर वापस अपनी पहाड़ की ओर लौटे। अगर हम बात करें मधुमक्खियों से कितना लाभकारी व्यवसाय हो सकता है, 80% से ज्यादा लोग तो मैं समझूंगा कि शहद की वजह से मधुमक्खी को जानते हैं, जबकि मधुमक्खी का असली काम क्या है किसी को पता नहीं है। मधुमक्खी का असली काम परागण है, क्रिया है। जब मधुमक्खियां एक खेत में रखी जाती है तो उस खेत की 30% यील्ड बढ़ जाती है। शहद को छोड़ के हम मधुमक्खी से वैक्स यानी कि मोम, पोलन यानी कि पराग जो आप देखते हैं फूलों के ऊपर पीला पीला, वो भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बी वेनम मधुमक्खी का जहर भी हम निकाल सकते हैं। रॉयल जेली बहुत रानी का एक शाही भोजन होता है जो सिर्फ रानी को खिलाया जाता है, शाही भोजन भी हम निकाल सकते हैं। साथ ही साथ व्यवसाय में अगर मैं बात करूँ, डब्बे बेच के, मधुमक्खियों को बेच के रानी भी ही सेल आउट की जाती है। इसके अलावा हम शहद से कितनी सारी डिशेज बना सकते हैं। जी शुभम, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और बात करें हम प्रजातियों की, कौन कौन सी प्रजातियों के पालन करने से जो लाभ है वो अधिक होने के चांसेस होते हैं। इस पूरी धरती पे 20,000 से ज्यादा मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं, लेकिन सिर्फ 5 प्रजातियां ऐसी जिनसे हम लाभ ले सकते हैं सीधा सीधा। पहले तो एपिस मेलिफेरा जिन्हें बोला जाता है, इटालियन बी भी बोला जाता है, हाइब्रिड बी है। उससे हम लोग अगर मैं औसतन बात करूँ तो 40 से 50 किलो आप निकाल सकते हो आराम से। मैंने खुद 30 से 35 किलो निकाला है, तो मुझे पता है कि निकाल सकते हैं, इतने लिमिट हैं। दूसरा, हमारे जो पहाड़ों में जो भारतीय मधुमक्खियाँ हैं जिन्हें एपिस सेराना इंडिका बोला जाता है, तो उसका भी उत्पाद होता है, उससे 10 से 15 किलो आप साइंटिफिक बी कीपिंग से आप निकाल सकते हैं। जी शुभम, ये बताइए कि जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं, क्या मधुमक्खियाँ माइग्रेशन करती हैं, क्या उनमें डिवाइडेशन होता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके एक डब्बे में मधुमक्खी का तादाद परिवार में ज्यादा हो गया तो परिवार दल बांट देता है, आधा दल वहीं रह जाता है, आधा दल बाहर छोड़ के चला जाता है। उसको बोलते हैं बकछोट। कि जब भी कोई क्लाइमेटिकल चेंज हो गया या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, आदमी मतलब परेशान कर रहे हैं या फिर खाना कम पड़ गया या मौसम का कोई इफेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से मधुमक्खियां वहां से चली जाती हैं। मधुमक्खियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमेशा एकजुट होकर कार्य करती हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे परिवार में हम सब घर में काम करते हैं, वैसे ही इनके परिवार में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हर किसी का काम का डिवीजन है कि जो बच्चे होंगे जब वो 10 दिन के होंगे तो वो साफ सफाई का काम करेंगे, 10 से 15 दिन नर्सिंग का काम करेंगे, 15 दिन के बाद क्या होगा गार्डिंग का काम करेंगे, गार्डिंग के बाद उनके बाद नेक्टर लेने का काम करेंगे बाहर, फिर बाद में जाती हैं, फिर फॉरेजिंग का काम। तो इस तरीके से सबका काम विभाजित है, हर कोई बिना लड़े ये काम करता है। इन सब के अलावा जो इनके दैनिक कार्य, इसके अलावा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीजें भी ये लोग करते हैं जिसको देखे बिना हम रह नहीं सकते। मधुमक्खियाँ डांस कर सकती हैं, जो कि बहुत देखने लायक होता है। मधुमक्खियाँ दो तरीके के डांस करती हैं, एक वैक टेल डांस और एक राउंड डांस बोलते हैं जिसे। उस डांस को करने का ये कारण है कि फूल और नेक्टर, खाना कहाँ पर है, खाने की स्थिति क्या है, किस डायरेक्शन में है, तो ये सारी चीजें उन डांस से पता चलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज है कि जब दल बढ़ते हैं तो आप मधुमक्खियों को पकड़ सकते हो। उस टाइम पे मधुमक्खियों का ध्यान काटने पे नहीं, घर ढूंढने पे लगता है, तो इसलिए मधुमक्खियां काटती ही नहीं है। हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दादा परदादा ने घर बनाया था, उसमें खदरा बोलते हैं जलूटा, जो वॉल हाइव बोलूं मैं, वो बना के दिया था। लेकिन अब पहाड़ों में क्या सीमेंटेड घर बना रहे हैं, लेकिन मधुमक्खियों के बारे में कभी नहीं सोच रहे कि मधुमक्खियों के लिए भी हमें घर देना चाहिए। तो वो जनरेशन गैप है, जो नॉलेज गैप है, इस जनरेशन को फिल करना है। क्योंकि अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगी शायद तो इस धरती पे ना आप कोई खाना, फल फ्रूट कुछ नहीं खा पाओगे, कुछ भी नहीं। 70% मैंने कहा पॉलिनेशन मधुमक्खियों से होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 70
फीसदी खाना खत्म। जी और अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह से मधुमक्खियों की प्रजातियां अलग अलग होती है तो उनसे मिलने वाला जो शहद है क्या उसके प्रकार भी अलग अलग होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। यस हाँ, हर शहद का रंग अलग होता है, शहद का टेस्ट अलग होता है, शहद का हेल्थ बेनिफिट्स अलग होता है। अगर देहरादून की बात करूँ, देहरादून में रायपुर में कड़ी पत्ता होता है, 60-70% कड़ी पत्ता वहाँ पर है, और बाकी अन्य जो दूसरे फूल हैं, तो मैं उस शहद को कड़ी पत्ता का शहद का नाम दूंगा। ऐसे ही लीची के बगीचे में अगर मैं मधुमक्खी की पेटी रखूं तो वो मधुमक्खियां लीची पे जाएंगी, तो वो कौन सा शहद हुआ? लीची का शहद हुआ। तो मोर देन 300 वैरायटी अभी ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में हमसे बात करने के लिए शुभम राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। श्रोताओं, शुभम राणा से मिली ये जानकारी आपको अवश्य ही रोचक लगी होगी। अब कार्यक्रम में